स्टोरी तो सुनी होगी कि पहले साइड से बड़ा बड़ा प्रधान कैसे
तो आप रिजेक्शन आए तो उससे कोई घबराना मत, क्योंकि आप पहले समझाने जाओगे अपने फ्रेंड को या किसी को समझाने जाओगे तो आपको पहले तो मना करेंगे कि नहीं करना ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको ही पहले तो आपको जब समझाने जाओ तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए क्या ओएसिस है, ओएसिस में क्या क्या मिलता है सब कुछ आपके पास जो पूरा नॉलेज होगा तो आप किसी को समझाने जाओगे तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम फेस आपको देंगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और वैसे रिजेक्शन तो आएगा ही क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, वो अभी तो मार्केटिंग का नाम पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी है, पर मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग से हमें क्या मिलता है वो किसी को नहीं पता, इसलिए सब लोग मना तो करेंगे क्योंकि रिजेक्शन आना कोई बुरी बात नहीं, रिजेक्शन से हम सक्सेस मिल सकते हैं। तो रिजेक्शन ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिजेक्शन ना आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बात करो आपको रिजेक्शन आए तो आपको गोल फिक्स होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, अपनी आपको जो आपके टारगेट फिक्स होगा कि मुझे ये करना है लाइफ मुझे ये करके दिखाना है। टाइम पे लगेगी आपको टाइम पे लेकिन जो लोग आए वो थोड़ा लिखो क्योंकि सीखने के लिए आए उसके गोल पेंटिंग चाहिए, ये आपको रिजेक्शन के बारे में जो अच्छा लगेगा वो लिखने का चालू करो।